जनपद संभल में समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल संगठनों के द्वारा टेट परीक्षा निरस्त किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय बहजोई पर धरना प्रदर्शन व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। उक्त कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी भी पहुंचे तथा संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को नौजवानों तथा छात्रों की विरोधी बताया और कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रदेश के गैर जिम्मेदाराना नीतियों की वजह से दांव पर लगा है। परीक्षा निरस्त करना सरकार के लिए आम बात हो गई है और यही कारण है कि छात्र नौजवान बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने के कगार पर खड़ा है। शिक्षा मंत्री को इस पेपर लीक होने पर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्याग देना चाहिए। आज जो टेट परीक्षा को लेकर के रद्द हुई है और डीएम ऑफिस पे आपने जो धरना प्रदर्शन किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज समाजवादी पार्टी के युवा फ्रंटल संगठनों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम था, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग 20-21 लाख छात्रों ने जो टेट की परीक्षा देने आए थे उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और रद्द करने का आदेश इसलिए कहा गया कि लीक हुआ है पेपर। भाई पेपर लीक भी हुआ है तो वो जो दोषी है, जो छोटे अपराधी हैं, उनको अगर दंडित करने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का मानना यह था कि जो बड़े इसके पर्दे के पीछे जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और वो छात्र जो लाख 20-21 लाख छात्र थे वो अपने घरों पर तैयारी करके घरों से आए थे, सर्दी को झेलते हुए आए थे, ये परीक्षा रद्द करके सरकार की नाकामी अपनी दर्शित प्रदर्शित हुई है और लगातार पूरे कार्यकाल में इन्होंने 6 बार परीक्षाएं रद्द भी की हैं। लगातार ये साबित करता है कि ये प्रदेश के नौजवानों को छात्रों को रोजगार देना नहीं चाहते, रोजगार देने के अवसर भी इन्होंने नहीं दिए कभी और किसी न किसी बहाने ये परीक्षा रद्द करके ये नौजवानों को छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि इससे छात्र जो है डिमोराइज होगा, क्योंकि एक बार जो तैयारी करके पूरा छात्र आता है वो कहीं ना कहीं कमजोर भी हो जाता है। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि पीछे ताकते उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ जांच करनी चाहिए और शिक्षा मंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए था इसको लेकर के अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, और छात्रों को कम से कम 500 रुपये प्रत्येक छात्र मुआवजा भी देना चाहिए आने जाने का, खाने पीने का, और छात्रों को फ्री सेवा आने जाने की सुविधा देनी चाहिए और तुरंत ही ये परीक्षा दोबारा पुनर्कर्मा में दोबारा, जिससे कि छात्रों का मनोबल न गिरे और नौजवान को रोजी रोटी की समस्या है। आज छात्रों नौजवान रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, परेशान है, इसी को लेकर के आज हमने समाज पार्टी का जो धरना था मैं उसमें सम्मिलित हुआ था और समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है, डीएम को ज्ञापन भी दिया था, राज्यपाल को संबोधित